तो दोस्तों हाल फिलहाल में अभी हीरो कंपनी की तरफ से इग्मा के अंदर दिखा गया है हीरो का ही एक और न्यू बाइक। असल में ये है कॉन्सेप्ट मॉडल, लेकिन भाई ये जो बाइक है ना, तो इसको बोला जा रहा है एक्सन 2.5। अब देखो दोस्तों, ये जो हीरो कंपनी का 2.5 एक्सन वाला ये जो मॉडल है ना, तो इसके ही बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन अभी डेट में बोला कुछ यही जा रहा है कि ये जो एक्सन वाला जो बाइक है ना, तो ये एक्सट्रीम नाम से आने वाला है फ्यूचर में। बाकी इसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे इसी वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखते रहना। तो मैं हूं कौन कौन मुकार, आप देख रहे हो कौन 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 ब्लॉग्स, तो वीडियो को पूरा देखते रहना। शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो दोस्तों, अभी कुछ समय पहले इग्मा के अंदर हीरो कंपनी का एक न्यू भाई कॉन्सेप्ट जो बाइक है ना, तो उसको दिखा गया है, या फिर एक कॉन्सेप्ट मॉडल को जो है तो उसको दिखा गया है, जो कि 2.5 एक्सन या फिर एक्सन 2.5 ऐसा कुछ नाम के साथ में है। तो बाकी कुछ बात यही है कि ये जो हीरो का जो ये ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट बाइक जो है ना, तो इसके अंदर पहले तो भाई आप लोग एक चीज जान लो कि इस वाले बाइक का जो नेम है, तो ये भाई कॉन्सेप्ट मॉडल के अंदर दिया गया है। लेकिन अभी के डेट में बहुत सारे लोगों का कुछ ऐसा ही मानना है कि ये जो बाइक है ना, तो ये कि 250cc वाला मॉडल होने वाला है हीरो कंपनी के तरफ से आने वाले समय के लिए। तो ये जो मॉडल है, तो इसके अंदर आपको जो इंजन देखने को मिलेगा ना, तो ये एक 250cc वाला ही सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन होगा, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 25 से लेकर 30 bhp के अंदर अंदर। और इसके ही साथ इसके अंदर आपको जो मैक्सिमम टॉर्क भी देखने को मिलेगा ना, तो वो भी 20 से लेकर 30 nm के अंदर अंदर का जो है, तो वो ही कुछ देखने को मिलेगा। और इसके ही साथ 6 feet का जो गियर बॉक्स है, तो वो भी कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन असल में बात कुछ ऐसा है कि ये जो एक्सन वाला बाइक है ना, तो ये जब इसे इंडियन मार्केट में या फिर ग्लोबली जब रियल लाइफ में लॉन्च होगा ना, तो इसका नाम जो है ये हीरो एक्सट्रीम 250 नाम से कुछ ऐसा आने वाला है, ऐसा ही बहुत सारे लोगों का मानना है। वैसे तो दोस्तों यही कुछ सीन है कि जितना भी जो भी कुछ नेकेड बाइक जो लॉन्च होने वाला है ना, तो उसका जो नाम है तो वो एक्सट्रीम नाम होगा, ऐसा ही कुछ अभी बोला जा रहा है। बाकी हाँ, यही कुछ सीन है कि ये जो हीरो कंपनी की तरफ से जो ये न्यू बाइक को जो दिखा गया है, मतलब ये इग्मा के अंदर, तो देख ही सकते होंगे इस वाले बाइक का जो लुक है ना, तो ये डेफिनेटली काफी ज्यादा एक किलर लुक है। और ये एक फ्रेश न्यू लुक है, जो कि भाई देख ही सकते होंगे बहुत सारे कुछ कटआउट्स के साथ में है, मतलब कि इसका जो डिजाइनिंग है ना, तो ये भाई देख ही सकते होंगे बहुत ज्यादा शार्प तो है ही, साथ ही साथ ये जो डिजाइनिंग है, तो ये देखने में भाई कुछ ऐसा ही लग रहा है कि ये एक एरोडायनामिक वाला जो कुछ सीन है ना, तो ये भाई बहुत ज्यादा बेहतरीन सा कुछ फिट किया है हीरो कंपनी ने भाई इसी डिजाइन के साथ में। बाकी तो हाँ, यही कुछ सीन है कि ये जो डिजाइन है ना, तो इसके अंदर जैसे कि देख ही सकते होंगे इस वाले बाइक का जो टैंक है ना, तो वो भाई बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से तो भाई दिखा गया ही है, जो कि देखने में ऑलमोस्ट वो ट्रांसफॉर्मर वाला जो लुक है ना, तो उसके ही तरीके का कुछ देखने में लग रहा है। बाकी है यही कुछ सीन है कि इस वाले बाइक के अंदर जैसे कि देख ही सकते होंगे देखने को मिला है डिस्क ब्रेक। और अभी रेट में यही कुछ बोला जा रहा है कि हीरो कंपनी की तरफ से जब भी ये बाइक रियल लाइफ में लॉन्च होगा, तो उसके अंदर आपको डुअल चैनल ABS का जो फीचर है, तो वो भी कुछ देखने को मिलेगा। और इसके अलावा इस वाले बाइक के अंदर, मतलब इसी कॉन्सेप्ट वाले मॉडल के अंदर, जैसे कि देख ही सकते होंगे सामने दिया गया है यूज्ड फोक्स, और पीछे देखने को मिलेगा मोनोशॉक एब्जॉर्बर। हाँ, यही कुछ सीन है कि देखो दोस्तों, ये जो बाइक है ना, तो ये कॉन्सेप्ट मॉडल है, तो इसी वजह से इसका जो मीटर कंसोल है, तो उसको भी दिखा नहीं गया है। लेकिन दोस्तों अभी के डेट में यही कुछ बोला जा रहा है कि जब एक्सट्रीम 250 जब आएगा, मतलब कि अभी के डेट में ये जो एक्सन वाला जो मॉडल आप लोग देख रहे हो ना, तो ये जब एक्सट्रीम 250 नाम से जब रियल लाइफ में लॉन्च होगा, तो उसके भी अंदर आपको एक पूरे ही तरीके से डिजिटल वाला मीटर कंसोल ही देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको ब्लूटूथ नेविगेशन नोटिफिकेशन वगैरह जो भी है, तो ये तो फीचर्स देखने को मिलेंगे ही, साथ साथ इंजन टेम्परेचर से लेके और भी कई सारे कुछ जो फीचर्स है, तो वो भी कुछ देखने को मिलेगा। और हाँ, यही कुछ बोला जा रहा है कि ये जो बाइक है ना, मतलब ये एक्सन वाला जो बाइक है, तो इसके अंदर भाई लाइट्स का सेटअप तो उतना कुछ बेहतरीन तरीके से दिखा नहीं गया है, लेकिन भाई जब रियल लाइफ में लॉन्च होगा, तो उसके अंदर आपको LED लाइट्स का जो सेटअप है, तो वो ही कुछ देखने को मिलेगा। और हाँ, यही कुछ सीन है कि ये जो एक्सन वाला मॉडल है ना, तो ये भाई रियल लाइफ में भी लॉन्च होगा, मतलब अभी के डेट में बोला कुछ यही जा रहा है कि अगले 1 से 1.5 साल के ही अंदर अंदर ये जो एक्सन 250 वाला मॉडल है ना, तो ये भाई एक्सट्रीम 250 नाम से आने वाला है, ऐसा ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और वैसे तो दोस्तों आप लोग ये भी देख ही सकते होंगे कि इस वाले बाइक के अंदर आपको जो कलर स्कीम देखने को मिलेगा ना, तो वो टिपिल टोन के अंदर अंदर है, जैसे कि देख ही सकते होंगे टैंक के ऊपर ग्रे, और इसके ही साथ व्हाइट भी टैंक के नीचे, और इसके अलावा टैंक के मिडिल से लेके और भी कई सारे जगह पर रेड कलर। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई, और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूं क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारे कुछ वीडियोस हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।